तो क्या बिहार में पुलिस राज की तैयारी है? नए पुलिस बिल को लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने नए पुलिस अधिनियम बिल के विरोध में मोर्चा भी खोल रखा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि नीतीश सरकार बिहार में पुलिस राज कायम करना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि नए पुलिस अधिनियम के बनने से विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। और लेकिन ऐसा क्या संभव है? नए पुलिस बिल पर जारी है घमासान। बिल के विरोध में विपक्ष ने खोला मोर्चा। क्या बिहार में पुलिस राज की है तैयारी? राज्य सरकार नया पुलिस बिल बिहार में लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष के तेवर कुछ अलग ही हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिल के जरिए सरकार बिहार में पुलिस राज कायम करना चाहती है। ये काला कानून जो सरकार ने लाया है, बिहार सरकार ने बिहार में पुलिस राज कायम करना चाहती है सरकार। ये अंग्रेजों के जमाने में जो कानून था वही कानून बिहार में लागू करना चाह रही है। बिना वारंट के पुलिस किसी की गिरफ्तारी कर लेगा? विपक्ष के लोग बिना बिल को पढ़े हुए इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। जो नई औद्योगिक नीति बनी है उसमें कई इन्वेस्टर रुचि दिखा रहे हैं। बिहार में उद्योग व्यवस्था लगाने की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस बिल को लेकर बवाल क्यों मचा है? आखिर बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही है? नए पुलिस अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट या मजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। विशेष सशस्त्र पुलिस बिना किसी वारंट के किसी की भी तलाशी कर सकेगी। अगर विशेष सशस्त्र पुलिस के किसी अधिकारी पर किसी अपराध का आरोप लगता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान नहीं ले पाएगा। यानी कानून के जरिए पुलिस को ऐसे अधिकार दिए जा रहे हैं जिसके तहत बिहार पुलिस को अब किसी भी वक्त किसी की भी तलाशी लेने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। और तो और, अगर किसी वर्दीधारी ने जुल्म किया है तो कोर्ट भी उसके खिलाफ खुद से कार्रवाई नहीं कर पाएगा। काले कानून क्यों ला रहे हैं? पहले इन्होंने आंदोलन पर रोक लगाया, फिर सोशल मीडिया पर रोक लगाया, और ऐसे पुलिस काले कानून ला रहे हैं जो बिना वारंट के पुलिस जब चाहे तब किसी को अरेस्ट कर सकती है। ऐसा कोई कानून हुआ है क्या? अगर ऐसा कानून चाहिए तो नीतीश कुमार पहले सदन में बहस करें। जो संस्कृति राष्ट्रीय जनता दल की रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से लगातार उसी संस्कृति को सदन में अपनाते रहते हैं, सदन से बाहर और सदन के अंदर। सत्ता पक्ष दलील दे रहा है कि बिना पढ़े विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन प्रावधान पर बात करने से सत्ता पक्ष बच रहा है। विपक्ष की मांग है कि बिल पर बहस होनी चाहिए, बहस के बाद सदन की कमेटी के पास इसे भेजा जाना चाहिए, पर सरकार क्या इसके लिए तैयार होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने विपक्ष को बचकानी हरकतों से बाज न आने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र का पहरेदार होता है और उसे सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ना कि विरोध करने के लिए हर बेहतर कदम का विरोध करना चाहिए। वो पुलिस अधिनियम में बदलाव को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवर का जवाब दे रहे थे। लोकतंत्र में तो विपक्ष की बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र का पहरेदार विपक्ष ही होता है, और हमने तो 1966 से विपक्ष की राजनीति शुरू की। दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में संयुक्त विधायक दल की कल्पना हुई और लड़ाई लड़के 1967 में सरकार भी बनाई, 68 में कांग्रेस ने गिरा दी, फिर 1969 में सरकार बनी संयुक्त विधायक दल की, फिर विपक्ष की अनेकों भूमिकाएं में करते रहे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इंदिरा जी का विरोध भी किया, लेकिन जब इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश का के ऊपर विजय पाई थी